पर बड़ी खबर है। बखमुट में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर हमले किए हैं और बखमुट के बाहरी इलाकों से यूक्रेन के हमले। बखमुट पर रूसी कब्जे को यूक्रेन ने नकारा है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके को आजाद कराने की कोशिश यूक्रेन की अब तक नाकाम ही रही। सोलिडर पर रूसी कब्जे के दावे के बाद बाखमुत में भी भीषण जंग जारी है। सोलिडर और बाखमुत के बॉर्डर पर यूक्रेनी फौज अब भी रूसी फौज पर हमले कर रही है। बाहरी इलाकों से यूक्रेनी फौज ने मोर्टार से रूसी ठिकानों को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया। बाखमुत पर रूस ने कब्जे का दावा किया है, लेकिन यूक्रेन इसे खारिज करता आ रहा है। उधर ब्लैक सी के पास सेवस्तोपोल में यूक्रेनी फौज ने रूस के 10 ड्रोन को हवा में ही नाकाम करने का दावा किया है। सेवस्तोपोल में फिलहाल यूक्रेन अपने कब्जे का दावा करता है। इसी बीच खेरसौन में रूसी हमले से हुई तबाही का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर खेरसौन में हुई बर्बादी दिखाई। यूक्रेन ने दावा किया है कि सोमवार को रूसी हमले में कई घर खंडहर में तब्दील हो गए। स्थानीय गवर्नर के मुताबिक रूसी मिसाइल हमले में 14 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। खेरसौन को नवंबर में यूक्रेन ने रूसी कब्जे से आजाद कराया था।